भारत इस साल अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। नमस्कार, साथ मैं हूं आपके आस्था त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। हापुड़ हलचल के पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हापुड़ जनपद में इस बार गणतंत्र दिवस की धूमधाम कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो गई थी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुज सिंह को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उनके काम की भी प्रशंसा की गई। देश को साल 1947 में ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ। इस वजह से हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मौजूदा समिति की अध्यक्षता की थी। हालांकि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां कर ली गई। देश भर में गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी के दिन का मुख्य आकर्षण परेड होती है। हापुड़ की पुलिस लाइन में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए गए हैं। प्रतीक तलवार को मुख्य अतिथि के अभिवादन में राष्ट्र के सम्मान में गर्व से सीना चौड़ाते हुए हमारे जनपद के और प्रथम टोली ट्रैफिक पुलिस टोली कमांडर उप निरीक्षक यातायात श्री छविराव, द्वितीय टोली पुलिस लाइन टोली कमांडर आपकी तालियां बजते रहनी चाहिए उप निरीक्षक श्री रविकांत गोस्वामी जी, तृतीय टोली टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री गौतम लाल जी रहिएगा, चतुर्थ टोली टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री ओमकार गंगवार जी। इनके कदमों को देखिए, मशीन से नियंत्रित इनके कदम और इनके कदमों से निकलने वाली ध्वनि कमांडर उप निरीक्षक श्री अजय सिंह और सचिन टोली महिला पुलिस टोली कमांडर उप निरीक्षक अनुराधा चौधरी जोरदार तालियां और इसके पीछे साइकिल स्क्वाड कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विनी कुमार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागतम करते रहे। मोटरसाइकिल स्क्वाड सलामी मंच की ओर जोरदार तालियां और टायल एक सवार में श्री जीतन कुमार, इसके पीछे विधि विज्ञान प्रयोगशाला कमांडर उप निरीक्षक श्री देवराज सिंह जी, रॉयल स्क्वाड कमांडर उप निरीक्षक श्री देवेश कुमार और मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित जोरदार तालियां फायर सर्विस स्क्वाड कमांडर श्री विजेंद्र सिंह जी और फायर सर्विस आपकी तालियां। आज हम इस भारतीयता को समर्पित त्योहार को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह अवसर हमें उन महानायकों को याद करने का है जिन्होंने हमारे स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। हमारा जनपद हापुड़ भी मेरठ का भाग रहा करता था और देश की आज़ादी और इस स्वतंत्रता के युद्ध में काफ़ी अग्रणी भूमिका रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमने यहाँ पे विटनेस किया, जो यहाँ पे देखा, तो मुझे इस बात को लेकर मैं बड़ा आश्वस्त हो गया कि हम अभी भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं और हमारे पुलिस के जवान उस विचारधारा को बचाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए आज भी तैयार हैं। यह देख के काफ़ी अच्छा लगा और दिल को एक संतोष भी मिला। यह दिन भारतीय संविधान के पूर्ण प्रभावी होने का दिन है। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और उसके तीन माह बाद 26 जनवरी 1950 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन को लगभग 20 वर्ष पहले पूर्ण स्वराज की परिकल्पना की गई थी और वह साकार 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से हम लोगों ने कोरोना का दंश झेला है। कोरोना ने हमें तमाम चीज़ें सिखाई,
काफ़ी चीज़ें हमसे ली भी, लेकिन साथ में काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई भी। इस समाज के ऊपर एक पुनः एक विश्वास पैदा हुआ कि किस प्रकार कोरोना से लड़ने में तो पूरा समाज एकजुट हुआ, और इस कोरोना की घड़ी में भी जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवानों ने। हापुड़ से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल। धन्यवाद। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।